आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आइए आज हम लोग ये सीखेंगे कि ब्लू होस्ट इंडिया है उसके कंट्रोल पैनल का पासवर्ड कैसे बदलते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि कोई साइट है, एक मेरी साइट जैसे ये होस्ट है आपके ब्लू होस्ट डॉट इन में, तो आप उसके कंट्रोल पैनल में ऐसे जाते होंगे, ऐसे लॉगिन करते होंगे, इस तरह यूजर नेम और पासवर्ड इसका आता होगा। तो ये जो पासवर्ड यहाँ है इसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं ये आज हम जानेंगे। आप अगर यहाँ पर लॉगिन करके कंट्रोल पैनल में अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर इसके पासवर्ड को चेंज करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इसका जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको आज शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि आप कंट्रोल पैनल का पासवर्ड आसानी से बदल पाएंगे। आपको ब्लू होस्ट का एक अकाउंट मिलता है जिससे आप अपने प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं, तो उस अकाउंट में आप लॉगिन करेंगे और वहां से इस पासवर्ड को आप चेंज कर सकते हैं। तो आइए हम आते हैं, गूगल ओपन कर लेते हैं और इस पे हम लोग टाइप करते हैं मैनेज ब्लू होस्ट। तो यहाँ पे देखिए आपको टॉप पे ही आ रहा है, इसका लिंक आ रहा है। आप चाहें तो इस लिंक को डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं, manage.bluehost.in को आप इसको टाइप करके डायरेक्टली भी यहाँ जा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको यूजर नेम और आपका ये पासवर्ड आपको मिला होगा जो शुरू में आपको आपने इस कोई भी प्रोडक्ट रजिस्टर किया होगा, तो उसको आप यहाँ पर इंटर करिए। आप रिसेलर हैं तो रिसेलर की तरह पे, कस्टमर हैं तो कस्टमर की तरह पे, मैं जैसे कस्टमर हूं तो मैं कस्टमर की तरह इस पे लॉग इन करता हूं। अभी लॉग इन हो रहा है, थोड़ा समय लेगा, इंटरनेट की स्पीड जैसी उस तरह से समय ये लेगा। उसके बाद आपकी ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी, यहां से आप अपने सारे प्रोडक्ट को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपका होस्टिंग का पीरियड फिनिश हो चुका है तो आप होस्टिंग रिन्यू कर सकते हैं, आप जो डोमेन्स परचेज किए हैं डोमेन्स को रिन्यू कर सकते हैं, तो वो यहाँ से आपका होता है, डोमेन को ट्रांसफर करना है ट्रांसफर भी कर सकते हैं, तो यहाँ से सारी फैसिलिटी आपको दी जाती है। आइए हम लोग चलते हैं कि कैसे हम अपने उस होस्टिंग के कंट्रोल पैनल का पासवर्ड बदलते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया, लिस्ट सर्च ऑर्डर किया, तो आपके ऑर्डर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे सारे के सारे। अब आप ये जैसे एक आपका ऑर्डर है जिससे कि मैंने जैसे क्लाउड होस्टिंग ले रखा है, इसमें इसके ऊपर इस लिंक के ऊपर मैं इसको क्लिक करूंगा, तो क्लिक करते ही ये एक दूसरी विंडो ओपन होगी जिसमें आपकी इस होस्टिंग के लिए कुछ डिटेल्स आएंगे, जैसे मैनेज होस्टिंग, एडमिन डिटेल्स, नेम सर्वर डिटेल्स, ये सारे डिटेल्स आएंगे। तो आप यहां को यहां एडमिन डिटेल्स में जाना है और यहां पर आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, सी पैनल लॉगिन डिटेल्स यहां पर दिए होंगे, तो ये सी पैनल का आपका यूआरएल भी दिया हुआ है, यूजर नेम दिया हुआ है और यहां चेंज पासवर्ड का ऑप्शन दिया है। तो इसको मैं चेंज पासवर्ड के ऑप्शन में क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं पासवर्ड को बदल दूंगा। आप इधर राइट साइड में देखिए कि पासवर्ड की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो पासवर्ड की रिक्वायरमेंट जो यहाँ बता रहा है वो मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और मैक्सिमम 15 कैरेक्टर्स होना चाहिए, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, कोट नहीं होना चाहिए और नेशनल अल्फाबेट कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। एटलीस्ट कम से कम एक कैप्स लॉक हो, दो डिजिट हो और दो स्पेशल कैरेक्टर होना जरूरी है। इसमें जो स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड हैं ये आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो मैं यहां पर अब आपका पासवर्ड चेंज कर देता हूं, अब मैंने ये रिक्वायरमेंट जो थी उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना पासवर्ड चूज कर लिया है और यहां पर एंटर कर दिया है। उसके बाद मैं चेंज पासवर्ड में क्लिक करूंगा, देखते हैं कि ये आगे क्या स्क्रीन में आता है और पासवर्ड चेंज होता है कि नहीं। तो ये इसने कहा है कि ये आपका योर पैनल पासवर्ड है चेंज सक्सेसफुली, पैनल का आपके पासवर्ड बदल चुका है। अब इसके बाद इस विंडो को हम लोग क्लोज कर देते हैं और देखते हैं कि हमारा पासवर्ड ये पहले वाला ही है या चेंज हो चुका है। जैसे कि पहले ही पासवर्ड जो यहाँ पर था मेरा वही पासवर्ड यहाँ सेव है,
आपकी इस पासवर्ड की स्क्रीन में। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो इसे लॉगिन करता है कि नहीं करता ये हम लोग देखेंगे। अगर चेंज हो गया होगा तो नहीं करेगा, अगर नहीं चेंज होगा तो करेगा। देखिए ये मैंने क्लिक किया तो टॉप पे आया दिस लॉगिन इज इनवैलिड। अब हम इसमें जो हमने नया पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को इसमें इंटर करके हम अब इसको करेंगे। तो ये मैं नया पासवर्ड मैंने डाल दिया और ये मैंने क्लिक किया तो ये देखिए लॉगिन हो गया। लॉगिन हो गया इसका मतलब ये पासवर्ड जो चेंज करने की फैसिलिटी है वो सही तरीके से काम कर रही है और ये सामने आपको उसका कंट्रोल पैनल दिख रहा है। तो आपने जाना कि कैसे कंट्रोल पैनल का पासवर्ड ब्लूहोस्ट इंडिया में चेंज करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, और साथ ही अगर आपको इससे संबंधित कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।